अब हम विकर्ण संबंध के बारे में जानेंगे। विकर्ण संबंध क्या होता है? विकर्ण संबंध का अर्थ है कि जो द्वितीय आवर्त के सदस्य होते हैं वे अपने अगले ही समूह तृतीय आवर्त के सदस्य से गुणों में समानता रखते हैं। इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप या फिर विकर्ण संबंध। तो इनकी जो गुणों में समानता होती है वो इनके लगभग समान आकार के कारण होता है, लगभग समान आयनन ऊर्जा के कारण होता है या लगभग समान ऋण विद्युता के कारण होता है। तो इस परिवार में जो पहला सदस्य है वो है बोरॉन, या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि इस परिवार में दूसरे आवर्त का जो सदस्य है वो है बोरॉन। तो ये अपने ही अगले समूह अर्थात 14वें समूह का तृतीय आवर्त का सदस्य होगा सिलिकॉन, तो उसके साथ ये गुणों में समानता रखता है। तो बोरॉन और सिलिकॉन के मध्य विकर्ण संबंध देखने को मिलता है। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से गुण इनके समान होते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों को देखा गया है कि ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ऑक्सी यौगिक के रूप में, जैसे बोरॉन बोरेट के रूप में, सिलिकॉन सिलिकेट्स के रूप में पाए जाते हैं। दोनों ही अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और दोनों ही अपरूपता भी दर्शाते हैं। अपरूपता जहाँ पर रासायनिक गुण समान होगा और भौतिक दृष्टि से वो अलग अलग होते हैं। बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, साथ ही ये दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों के जो ऑक्साइड हैं, जब मैग्नीशियम के द्वारा इसे अपचयन कराया जाता है तो ये उसके निम्नतर ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे B2O3 प्लस 3Mg इज इक्वल टू 3MgO बनता है प्लस 2B, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 प्लस 2Mg इज इक्वल टू Si प्लस 2MgO बनता है। बोरॉन एवं सिलिकॉन जब क्षार से क्रिया करते हैं तो वो भी यहाँ पर दोनों की क्रिया जो है वो लगभग लगभग एक जैसी ही होती है। बोरॉन का जो ऑक्साइड है B2O3, इसकी क्रिया जब NaOH से कराई जाती है तो B2O3 प्लस 6NaOH इज इक्वल टू 2Na3BO3 बोरेट बना, सोडियम बोरेट प्लस 3H2O। इसी प्रकार सिलिका SiO2 की क्रिया जब NaOH से कराते हैं तो SiO2 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस H2O बनता है। इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं बोरॉन और सिलिकॉन के, इन दोनों की जो प्रकृति है वो सहसंयोजी होती है। ये जब नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं, दोनों में समान तरह से हो सकता है ये रिएक्शन। तो जब बोरॉन की क्रिया नाइट्रोजन से होती है तो बोरॉन नाइट्राइड 2B प्लस N2 इज इक्वल टू 2BN। इसी तरह से Si प्लस 2N2 इज इक्वल टू SiN4। तो यहाँ सिलिकॉन और बोरॉन दोनों के नाइट्राइड बनते हैं। कार्बन के साथ बहुत अधिक तापमान पर जब ये रिएक्ट होते हैं दोनों ही, तो कार्बाइड बना सकते हैं। तो जो सिलिकॉन है जब कार्बन से रिएक्ट होते हैं तो SiC बनाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, और जो बोरॉन है जब वो कार्बन से रिएक्ट होता है तो B4C बोरॉन कार्बाइड बनाते हैं। 13वें परिवार में हम कुछ ऐसे तत्वों के बारे में जानेंगे जो मुख्य यौगिक बनाते हैं, कई सारे यौगिक बनाते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। तो इन सभी यौगिकों के केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, इनके बनाने की विधि, इनके गुण और इनके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोरेक्स। जो बोरेक्स है इसका जो फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, यह एक हाइड्रेटेड अणु होता है। बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। चूँकि इसमें 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसका नाम होगा डेकाहाइड्रेट। प्रकृति में जो बोरेक्स पाया जाता है उसे टिंकल के नाम से जाना जाता है। ये जो बोरेक्स है ये सूखी झीलों में पाया जाता है, और जब इसे जल के साथ गर्म किया जाता है, गर्म करके छाना जाता है, तो इसमें उपस्थित जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ रहती हैं जैसे कि रेत है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, और जो निस्यन फिल्ट्रेट बचता है उसको जब हम सांद्रित कर देते हैं, जब और ज़्यादा उसको गर्म कर दिया जाता है
तो बोरेक्स प्राप्त हो जाता है और बोरेक्स के क्रिस्टल यहाँ पे साफ दिखाई देने लगते हैं। इसको बनाने के लिए कोलेमेनाइट का भी प्रयोग किया जाता है। कोलेमेनाइट की क्रिया जब सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है तो बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। उसे छान कर अलग कर लिया जाता है। जो छना हुआ द्रव होता है उसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो फिर से हमें बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। कोलेमेनाइट का जो सूत्र है वो है Ca2b6O11 इज इक्वल टू सोडियम कार्बोनेट 2Na2CO3 इज इक्वल टू 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना है और Na2b4O7 बना। Na2b4O7 बना, यहाँ पर ये बोरेक्स तो प्राप्त हुआ, साथ में 2NaBO2 भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सोडियम बोरेट प्राप्त हुआ, तो अब हम जैसे कह रहे हैं कि इसका जो निस्यंद है उसमें पुनः CO2 प्रवाहित किया जाता है। सोडियम बोरेट जो है उस पर जब CO2 प्रवाहित करेंगे तो 4NaBO2 प्लस CO2 इज इक्वल टू Na2B4O7 प्लस Na2CO3 बनता है। तो Na2B4O7 बोरेक्स का जो क्रिस्टल है यहाँ फिर से हमें मिल जाता है। बोरेक्स सफ़ेद होता है और क्रिस्टली रूप में पाया जाता है और जो ठंडे जल होते हैं उसमें आसानी से नहीं घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं, लेकिन गर्म जल में ये बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। और जब ये जल में घुलते हैं तो क्षारीय विलयन बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो जब इनकी जल से क्रिया होती है या इसका जल अपघटन होता है तो Na+ सोडियम आयन बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और बोरिक अम्ल बनता है। तो इसका रिएक्शन होगा Na2B4O7.10H2O। जब इसका जल अपघटन हुआ तो जल अपघटित होकर के ये सोडियम आयन बनाता है 2Na+ प्लस 2OH- प्लस H3BO3 बनता है। बैलेंस करते हैं तो 4H3BO3 बनता है और साथ ही साथ यहाँ पर जल का अणु भी बाहर निकलता है। जब ये बोरेक्स क्षार से क्रिया करते हैं तो यहाँ पर सोडियम बोरेट बनता है, NaBO2 बनता है। क्षार के साथ जब इसकी क्रिया हम देखेंगे तो Na2B4O7.10H2O, तो ये बोरेक्स हो गया। और इसकी क्रिया जब NaOH से करा रहे हैं तो 2NaOH इज इक्वल टू 4NaBO2 बनता है और 11 जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। और जब बोरेक्स की क्रिया अम्ल से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनता है, बोरिक अम्ल बनता है और जल बनता है। तो इसका रिएक्शन होगा Na2B4O7.10H2O प्लस इसकी क्रिया जब H2SO4 से कराते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना, S3BO3 और यहाँ भी बनता है 5 जल का अणु। तो इस तरह से हम दोनों तरह से इसकी रिएक्शन को देख रहे हैं कि ये अम्ल और क्षार से कैसे बोरेक्स रिएक्ट होता है। इसका सबसे मुख्य जो गुण है, जब इसको गर्म किया जाता है ऊष्मा के प्रभाव में इसके जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब जल का अणु बाहर निकलता है तो ये फूल जाते हैं। तो जल के अणु के बाहर निकलने से ये Na2B4O7 में कन्वर्ट होते हैं। फिर जब इसे फिर गर्म किया जाता है और ज़्यादा शुष्क किया जाता है तो ये NaBO2 बनाते हैं और B2O3 बना लेते हैं। तो गर्म जब इसको किया जाता है तो ये एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कांच के समान दिखाई देता है, कांच के समान एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो मणिक या मन का मोती जैसा रूप ले लेता है। और इसी गुण का प्रयोग करके हम विभिन्न जो धातुएं होती हैं उनका रंग परीक्षण किया जा सकता है प्रयोगशाला में। तो इसे बोरेक्स मन का परीक्षण भी कहा जाता है। बोरेक्स की जो संरचना होती है उसमें हम देखते हैं कि ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट के रूप में होते हैं और उसी से ये बने होते हैं। तो B4O5 OH होल 4 और ब्रैकेट क्लोज करके 2-, तो इस तरह से यहाँ पर बोरेक्स की संरचना में आप देखिए दो जो OH है वो दो बोरॉन से जुड़ा हुआ है और बीच में यहाँ पर दो OH और भी जुड़ा हुआ है। किसके साथ? ये बोरॉन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 4 बोरॉन दिखाई दे रहा है और चारों बोरॉन के साथ OH जुड़ा हुआ है और प्रत्येक बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन एटम है और दोनों ऑक्सीजन एटम को जोड़ते हुए भी एक ऑक्सीजन एटम और प्रेजेंट है। तो दोनों ही बोरॉन के ऊपर, जो कि टर्मिनल बोरॉन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज है दोनों बोरॉन पे,
तो इसीलिए इस पूरे लवण के रूप में जो ये है तो यहाँ 2- चार्ज बाहर दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम इसके सूत्र को और जल के अणु के साथ लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा Na2 ब्रैकेट के अंदर Na2 फिर ब्रैकेट के अंदर B4O5 और ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में OH4 करेंगे, बड़े ब्रैकेट को क्लोज करेंगे .8H2O। तो यहाँ भी जल का अणु जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में जो बोरेक्स की संरचना है वो इस तरह से होगी और इसका सूत्र, सही सूत्र जो लिखा जाएगा वो ऐसा होगा, लेकिन जो उसके यूनिट्स होते हैं वो टेट्रा न्यूक्लियर जो यूनिट है उसकी संरचना इसी प्रकार से होती है। तो अब हम थोड़ा सा बोरेक्स सुहागा मन का परीक्षण इसके बारे में जानेंगे। सुहागा को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जल है उसके अणु निकल जाते हैं और ये चमकदार एक पारदर्शी मणिका में बदल जाता है जिसे हम मोती कहते हैं। तो इस तरह से ये कलर देता है अलग अलग धातुओं के साथ। तो ये जो मोती जैसी संरचना बनती है ये होती है बोरिक एनहाइड्राइड, जो कि अलग अलग जो संक्रमण धातु है उनके ऑक्साइडों के साथ रिएक्ट होके मेटा बोरेट बना लेते हैं। अलग अलग लवण के आधार पर नाम भी बदलता जाता है। तो जो ये कोबाल्ट का ऑक्साइड है जब ये उससे क्रिया करते हैं, B2O3 जब उससे रिएक्ट होता है तो कोबाल्ट बोरेट बनाता है जो नीले रंग का होता है। इसी प्रकार मैग्नीज के ऑक्साइड के साथ जब B2O3 रिएक्ट होता है तो मैग्नीज बोरेट बनाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा MnO प्लस B2O3 इज इक्वल टू MnBO2 होल ट्वाइस। तो ये यहाँ पर देता है भूरा रंग। तो इससे मैग्नीज का परीक्षण होता है। तो ये जो हम मनका जैसी संरचना देखते हैं वो वास्तव में होता है बोरिक एनहाइड्राइड और यही रिएक्ट होता है संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों के साथ और बोरेट देता है। और इसी बोरेट के कारण ज्वाला परीक्षण जब किया जाता है तो अलग अलग रंग आते हैं, अलग अलग धातुओं की पहचान हो पाती है। तो क्रोमियम का जो ऑक्साइड है Cr2O3 जब ये बोरिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट हो रहा है 3B2O3 इज इक्वल टू यहाँ पर हरा रंग ये देता है 2CrBO2 होल थ्राइस। तो यहाँ पर क्रोमियम का मेटाबोरेट बनता है। कॉपर के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो CuO प्लस B2O3, तो ये इस बोरिक एनहाइड्राइड है इसके साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो CuBO2 होल ट्वाइस बना, तो इसके बनने के कारण हरा रंग प्राप्त होता है। ये जो अपचायक होते हैं ये कुछ मेटाबोरेट धातुओं के निम्न अवस्था के जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटाबोरेट होते हैं उसमें ये बदल जाते हैं और इसी वजह से जो रंग परिवर्तन होता है और इससे संक्रमण धातुओं की पहचान हो पाती है। अब हम बोरेक्स के कुछ उपयोग के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक यौगिक है। प्रयोगशाला में अक्सर जो धातुओं की या धातु आयनों की पहचान के लिए सुहागा मन का परीक्षण किया जाता है, बोरेक्स बीट टेस्ट किया जाता है। मोमबत्ती उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जो ऊष्मारोधी कांच होते हैं पायरेक्स टाइप के उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ों की सफाई करने में और थोड़ा उसे कड़ा बनाने में भी बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत से मिट्टी के बर्तनों में चमकदार लेयर चढ़ाने के लिए भी बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है और धातुओं की सोल्डरिंग करने में जो गालक का प्रयोग किया जाता है उसके रूप में भी ये उपयोगी है। कई सारे औषधि युक्त जो साबुन होते हैं उसमें भी बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम बोरॉन के एक और महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानेंगे, वो है ऑर्थोबोरिक अम्ल। वैसे तो बोरॉन के अलग अलग श्रेणी के जो बोरिक अम्ल होते हैं उसमें जो ऑर्थोबोरिक अम्ल है वो सबसे अधिक स्थायी होता है, इसका सूत्र होता है H3BO3। लेकिन बाकी जो इसके बोरिक अम्ल के श्रेणी के सदस्य होते हैं वे हैं मेटाबोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HBO2, टेट्राबोरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2B4O7 और पायरोबोरिक अम्ल H6B4O5। तो ये विभिन्न जो इसके बोरिक अम्ल के श्रेणी के सदस्य हैं वो उसमें से ऑर्थोबोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ऑर्थोबोरिक अम्ल बनाने की विधि में सबसे पहला है बोरेक्स के द्वारा। तो बोरिक अम्ल को बोरेक्स के जली विलयन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। बोरेक्स के जली विलयन की क्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तो बोरिक अम्ल प्राप्त होता है।
तो इसका रिएक्शन होगा Na2B4O7 प्लस 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जली माध्यम में, यहाँ पे 5H2O इज इक्वल टू 2NaCl प्लस 4BOH होल थ्राइस। तो ये जो 4BOH होल थ्राइस है, इसे हम लिख सकते हैं H3BO3 भी, क्योंकि इसी का ये बोरॉन के हाइड्रोक्साइड के रूप में ही ये लिखा जा रहा है, और इसका सूत्र जब हम लिखते हैं तो H3BO3 होता है। इसी प्रकार बोरॉन के दूसरे जो यौगिक हैं उनके जल अपघटन के द्वारा भी बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जब बोरॉन का ट्राइक्लोराइड BCl3 का जल अपघटन कराया जाता है तो BCl3 प्लस 3H2O इज इक्वल टू H3BO3 प्लस 3HCl बनेगा। बोरॉन का यौगिक है B2H6, इसकी क्रिया जब 6H2O से कराते हैं तो यहाँ पर बनता है ऑर्थोबोरिक अम्ल 2H3BO3 प्लस 6H। ऑर्थोबोरिक अम्ल सफ़ेद होता है और क्रिस्टली होता है, और इसको जब छूते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना होता है। ये भी ठंडे जल में कम घुलते हैं, लेकिन गर्म जल में ये जल्दी जल्दी घुल जाते हैं। ये नेचर में दुर्बल क्षारीय होते हैं, इसे हम प्रोटोनी अम्ल नहीं कहते हैं। वास्तव में ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि लुईस अम्ल की तरह इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने के कारण ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। इसका एक प्रश्न भी बनता है, तो BOH होल थ्राइस प्लस 2HOH, मतलब जब ये जल से क्रिया करते हैं तो बोरॉन हाइड्रोक्साइड बना, तो BOH होल 4 और ब्रैकेट क्लोज करके एक माइनस चार्ज है, प्लस H3O बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ऊष्मा का प्रभाव, जब बोरिक अम्ल पर ऊष्मा दी जाती है तो ये अलग अलग प्रकार के श्रेणी के जो बोरिक अम्ल हैं वो भी बनाते हैं, चाहे वो पायरोबोरिक अम्ल हो, मेटाबोरिक अम्ल हो, ऑर्थोबोरिक अम्ल तो अपघटित होता ही है, तो अलग अलग तरह से ये दूसरे बोरिक अम्ल को भी बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्थोबोरिक अम्ल को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो कैसे यहाँ पर मेटाबोरिक अम्ल बना। तो यहाँ पर 4H3BO3 इज इक्वल टू 4HBO2 प्लस 4H2O, तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना मेटाबोरिक अम्ल। इसी प्रकार मेटाबोरिक अम्ल को जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है 4HBO2 इज इक्वल टू H2B4O7 प्लस H2O। इसी प्रकार H2B4O7 जब फिर अपघटित होता है तो B2O3 बना प्लस H2O बना, तो ये एनहाइड्राइड कहलाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार से ऊष्मा के प्रभाव में अलग अलग तरह के जो बोरिक अम्ल की श्रेणी है वो बनते हैं, और बोरिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड है B2O3 वो भी बनता है। अब हम इसकी जो संरचना है, जो इसमें बोरेट आयन होता है वो किस तरह से जुड़ता है उसके बारे में जानेंगे, उसके संकरण के बारे में जानेंगे। तो चूँकि इसमें बोरॉन केंद्रीय परमाणु है और बोरॉन के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p1 होता है, और 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चले जाते हैं 2p में, तो इस तरह से तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो संकरण होता है वो होता है sp2 संकरण। इस sp2 संकरण में जो संकरित कक्षक बनते हैं उनकी संख्या होती है 3। ये जो संकरित कक्षक हैं, आधे भरे हुए जो ऑक्सीजन के पी कक्षक होते हैं उनके साथ ही अतिव्यापन कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर BO के मध्य 3 सिग्मा बंद बनते हैं, मतलब 3 जगह पर BO प्रकार से सिग्मा बंद बनता है। और यहाँ पर जो रिक्त कक्षक है बोरॉन का, जो कि असंकरित अवस्था में है, वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और इस तरह से BO3 3- एक समतलीय यूनिट बनाती है। और ये अलग अलग यूनिट सी जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं तो फिर यहाँ पर बोरिक अम्ल बनता है। तो बोरिक अम्ल की जो संरचना होती है वो एक परतीय संरचना होती है, और इसमें हमने देखा कि BO3 3- जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, एक समतली यूनिट होता है, और इन्हीं के मध्य हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही ये एक पूरा परतीय संरचना के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अब हम बोरिक अम्ल के उपयोग के बारे में जानेंगे, इनका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, तो अक्सर आँखों के इलाज के समय जब आँखों को धोने की आवश्यकता होती है तो इसके जो कई मेडिसिन है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। दूध से बने हुए बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ, उसको प्रिजर्व करने के लिए, परीक्षण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और तापरोधी जो कांच होते हैं उसको बनाते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बोरॉन के एक और महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानेंगे, वो है डाइबोरेन B2H6। बोरॉन जब हाइड्राइड बनाता है तो ये दो प्रकार के हाइड्राइड बना सकता है, एक होता है नीडोबोरेन और एक होता है एरेक्नोबोरेन। तो दो प्रकार की श्रेणी बनती है, नीडोबोरेन की श्रेणी और एरेक्नोबोरेन की श्रेणी। तो इनका सूत्र भी अलग अलग होता है। अगर हम नीडोबोरेन के लिए सूत्र लेंगे तो वो होगा BnHn+4, और एरेक्नोबोरेन श्रेणी के लिए जो सूत्र होता है वो होता है BnHn+6, और इसके अलग अलग उदाहरण होते हैं। यदि हम नीडोबोरेन श्रेणी का उदाहरण लेंगे तो उसमें यही डाइबोरेन के बारे में है कि B2H6 इसका एक अच्छा उदाहरण है, B5H9 एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन एरेक्नोबोरेन में दो उदाहरण हम देखते हैं, टेट्राबोरेन जिसका सूत्र होता है B4H10 और दूसरा होता है पेंटाबोरेन जिसका सूत्र होता है B5H11। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जितने भी इसके हाइड्राइड है उसमें सबसे प्रमुख रूप से उपयोग में आने वाला हाइड्राइड है डाइबोरेन B2H6। B2H6 बनाने की कई सारी विधियाँ हैं, इसकी कुछ विधियों को हम जानेंगे। सबसे पहली विधि है कि बोरॉन हैलाइड का जब अपचयन कराया जाता है किसी अपचायक की उपस्थिति में तो डाइबोरेन बनता है। तो बोरॉन हैलाइड में हम यहाँ लेते हैं 4BCl3+3LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक प्रबल अपचायक होता है। इनकी जब क्रिया होती है तो बनता है डाइबोरेन 2B2H6+3AlCl3+3LiCl। इसी प्रकार जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्रिया जब आयोडीन से कराई जाती है तब भी डाइबोरेन बनता है, और यह इसको बनाने की एक प्रयोगशाला विधि भी है। तो इसका रिएक्शन होगा 2NaBH4+I2=2B2H6+2Ni, तो इस प्रकार से डाइबोरेन बनता है। डाइबोरेन बनाने का जो व्यापारिक विधि है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइबोरेन बनाने के लिए व्यापारिक विधि में BF3 का प्रयोग किया जाता है, और इसकी क्रिया सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं लगभग 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 2BF3+6NaH=B2H6+6NaF, तो इस प्रकार से ये B2H6 बना, लेकिन ये इसका व्यापारिक विधि है। जो डाइबोरेन होते हैं वो बहुत अधिक दुर्गंधयुक्त होते हैं। डाइबोरेन जहरीली और रंगहीन गैस होती है और दुर्गंधयुक्त भी होती है। कम ताप पर ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ा दिया जाता है तो ये अपघटित हो जाते हैं। तो जब 375 से 575 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो ये जो डाइबोरेन है B2H6 वो अपघटित हो जाता है, B4H10 बना लेता है, तो दूसरे हाइड्राइड में ये परिवर्तित हो जाते हैं। जब डाइबोरेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बहुत अधिक ज्वलनशील ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। B2H6+3O2=B2O3+3H2O। यहाँ जो निकलने वाली ऊष्मा है वो है -1976 kJ/mol। तो जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पर निगेटिव है, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। लुईस क्षार के साथ जब ये रिएक्ट होते हैं तो विभिन्न प्रकार के योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पा रहे हैं और करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। तो B2H6 जब ट्राई मिथाइल अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो भी एक
उत्पाद बनता है जो कि योगात्मक उत्पाद होता है 2BH3.NME3। तो यहाँ पर जो ट्राई मिथाइल अमोनिया है उसको हम NME3 के रूप में लिखते हैं। तो B2H6+2NME3 ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन को हम लिख सकते हैं NME3 इज इक्वल टू 2BH3.NME3। इसी प्रकार B2H6 जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होता है तो भी एक योगात्मक उत्पाद बनाता है 2BH3.CO। और जो B2H6 है जब ये अमोनिया से रिएक्ट होते हैं तो अमोनिया से रिएक्ट होकर के भी ये योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, B2H6+2NH3 इज इक्वल टू B2H6.2NH3। तो यहाँ पर जो ये योगात्मक उत्पाद बना है इसको यदि हम आयनिक रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं BH2NH3 होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस, यानी एक प्लस आयन बना और BH4 ब्रैकेट के बाहर माइनस चार्ज। तो ये एक लवण है जिसे हम इस तरह से आयनिक रूप भी दे सकते हैं। गर्म करने पर ये जो उत्पाद बना है, यहाँ पर डाइबोरेन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट होते हैं और उसको जब फिर गर्म किया जाता है तो यहाँ बन जाता है बोराजीन, जिसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो बेंजीन से मिलती जुलती है, बेंजीन की संरचना हेक्सागोनल होती है, वैसे ही बोराजीन की जो संरचना है वो भी हेक्सागोनल होती है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है B2H6.2NH3 इसके अपघटन से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये अपघटित होता है तो 2B3N3H6 बना और 12 जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये B3N3H6 को अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है या और व्यापारिक रूप से इसे बोरेजीन कहा जाता है। तो इसकी संरचना बेंजीन से मिलती जुलती होती है। यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन को अल्टरनेट लिखा हुआ है और सभी के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये बेंजीन की संरचना का रूप ले लेती है। B2H6 का जब जल अपघटन होता है तो बोरॉन का ही ट्राईहाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो B2H6 जब 6H2O से रिएक्ट हो रहा है तो बनता है 2BOH3+6H2O। अब हम डाइबोरेन की संरचना को पढ़ेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें बनाना बॉन्ड बनता है। तो वो किस तरह से होता है, जो डाइबोरेन है B2H6, चूँकि यहाँ पर दो बोरॉन है, दो बोरॉन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु की तरह कार्य करते हैं। तो बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 5, बाह्यतम कोश का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2s2 2p1। तो जब डाइबोरेन बनता है उस दौरान यहाँ पर बी के 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p में चला गया और जब 2p में जाता है तो यहाँ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। जो B2H6 है यहाँ पर sp3 संकरण पाया जाता है बोरॉन में। तो जो दोनों बोरॉन हैं दोनों में sp3 संकरित कक्षक उपस्थित है। दोनों बोरॉन में 4-4 संकरित कक्षक बना हुआ है जिसमें से 3 भरा हुआ है और 1 खाली है। अर्थात दोनों ही बोरॉन में 4 sp3 कक्षक में से 3 पूर्ण रूप से भरा हुआ है और 1 रिक्त है जो कि संकरित अवस्था में है परंतु रिक्त है। तो यहाँ कैसे बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर जो दोनों बोरॉन है उसमें उपस्थित जो 2 sp3 संकरित अवस्था वाले कक्षक है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापित हो जाते हैं। अर्थात sp3 s प्रकार से अतिव्यापन होता है। तो दोनों तरफ हम देखेंगे कि 4 BH बॉन्ड बन सकता है। बोरॉन का जो तीसरा अर्धपूरित कक्षक है वो दूसरे बोरॉन के खाली कक्षक के साथ और बीच में एक हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 केंद्र है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्त कक्षक है और एक यहाँ पर अर्धपूरित कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में उपस्थित है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है लेकिन केंद्र यहाँ पर 3 है। तो 3 center 2 electron bond भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों बोरॉन के पास 4 संकरित कक्षक है, 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह से दूसरे बोरॉन में भी 1, 2, 3 और ये 4। दोनों तरफ जो बोरॉन है
वो जब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ अतिव्यापित होते हैं तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो चार यहाँ पे बना BH बॉन्ड, इधर एक BH बॉन्ड, दो BH बॉन्ड, इधर तीन BH बॉन्ड और ये चार BH बॉन्ड, और बीच में बचा है इस बोरॉन के पास दो कक्षक sp3 का, जिसमें से एक भरा हुआ है और एक खाली है। दूसरे बोरॉन में भी एक भरा हुआ और एक खाली है। तो ये दोनों एक बोरॉन का भरा हुआ कक्षक, दूसरे बोरॉन का रिक्त कक्षक, और बीच में है हाइड्रोजन, इसके बीच में एक अतिव्यापन दिखाई देता है। दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि एक बोरॉन का रिक्त कक्षक और दूसरे बोरॉन का भरा हुआ जो अर्धपूरित कक्षक है, उनके बीच में एक हाइड्रोजन है, और इस तरह से BHB प्रकार से एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो कि बनाना बॉन्ड का रूप ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन परमाणु है, बी है, बी एच बी, तीन परमाणु है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल दो है, क्योंकि यहाँ पर एक जो कक्षक है sp3 वो रिक्त है। तो यहाँ पर दो बनाना बॉन्ड बनता है, तो इस वजह से इसे बनाना बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या केला बंद, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड इसे कहा जाता है। तो यहाँ जब डाइबोरेन की संरचना हम देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के आधार पर यदि हम देखेंगे तो जो बोरॉन बोरॉन के बीच में जो लंबाई है, यहाँ पर बी और बी के बीच, दोनों बोरॉन के बीच में जो लंबाई होगी वो है यहाँ पर 175 पिकोमीटर। इसी तरह से यहाँ पर बी और एच बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 97 डिग्री, और यहाँ जो बीच में जो बनाना बॉन्ड बना है वहाँ पर एच और बी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 134 पिकोमीटर, और जो इस तरफ जो एंगुलर जो यहाँ पे टर्मिनल हम देखते हैं वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री। तो इस तरह से अलग अलग बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के आधार पर भी हम बनाना बॉन्ड को समझ सकते हैं। वास्तव में जो B2H6 है उसमें प्रत्येक जो बोरॉन है वो sp3 संकरित अवस्था में ही होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्पेशल टाइप का जो हम संकरण देखते हैं और स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। बोरॉन हाइड्राइडोबोरेट की जो श्रृंखला होती है वो उसमें जो है BH4 आयनाइज फॉर्म में, तो BH4 ब्रैकेट क्लोज करके एक माइनस चार्ज है और यही इसका मुख्य घटक होता है, और जब इसकी क्रिया धातुओं से कराई जाती है तो ये प्रबल अपचायक बनाते हैं। तो डाइबोरेन जब लिथियम से या लिथियम के हाइड्राइड से या सोडियम के हाइड्राइड से रिएक्ट होते हैं तो प्रमुख अपचायक बनाते हैं जिनका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है उसमें भी डाइबोरेन का बहुत अधिक योगदान होता है। तो 2LiH प्लस B2H6 इज इक्वल टू बनता है यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो 2LiAlH4 बनता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्राइड 2NaH प्लस B2H6 इज इक्वल टू 2NaBH4 बनता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बहुत सारे कार्बनिक संश्लेषण में इन दोनों अपचायकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम डाइबोरेन के कुछ प्रमुख उपयोगों के बारे में जानेंगे। तो ये सुपरसोनिक जो रॉकेट्स होते हैं उसमें भी ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसा हमने देखा कि ये कुछ प्रमुख अपचायकों के निर्माण में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके निर्माण में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, और ये बहुत अच्छे अपचायक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब हम इस परिवार में जो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, उनके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे। तो बोरॉन का एक जो समस्थानिक होता है B10, इसका प्रयोग हम देखते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो नाभिकीय रिएक्टर से निकलने वाली विकिरण होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तो उससे लोगों को बचाने के लिए जो रक्षात्मक कवच होता है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चूँकि नाभिक जो रिएक्टर होता है उसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, लगातार न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं, तो इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ रॉड्स लगे होते हैं, उन रॉड्स में भी इस बोरॉन के समस्थानी का प्रयोग किया जाता है B10 का। और एयरक्राफ्ट बनाने में भी बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स, बोरिकम्ल,
इन सब को बनाने में भी बोरॉन बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि ये बोरॉन के प्रमुख यौगिक होते हैं। और जो बोरेक्स है, बोरिक अम्ल है, इन सब का प्रयोग जो ऊष्मारोधी कांच होते हैं, जैसे कि पायरेक्स कांच है, उनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लास वूल बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में, कई प्रकार के कांच के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरॉन का एक यौगिक है जो बोरिक अम्ल, उस बोरिक अम्ल का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एल्यूमिनियम और इसके जो विभिन्न यौगिक हैं उनके बारे में जानेंगे। एल्युमिनियम में कई सारे धात्विक गुण होते हैं जो इसे बहुत स्पेशल बनाते हैं। इसकी जो तनन शक्ति होती है, यानी खींचने की, इसके तार बनाने की शक्ति होती है, इसको हम अलग अलग रूप दे सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ये विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे गुण होते हैं। और इसकी जो ऊष्मीय चालकता होती है, विद्युत ऊष्मीय चालकता होती है, वो बहुत अधिक होती है। इसके कई सारे मिश्र धातु हैं जिसका प्रयोग करके बर्तन बनाया जा सकता है। इसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, पन्नी का रूप दिया जा सकता है। और फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है उसको लपेटने के लिए इस तरह की पन्नी का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप देखते हैं खाद्य पदार्थों की रैपिंग करने में भी इस एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे जो धातुएं हैं, जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, इन धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने में, इनके निष्कर्षण में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एक विधि होती है थर्माइट वेल्डिंग। इसमें जो मशीनों के टूटे फूटे पुर्जे होते हैं उसको जोड़ते समय भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। बहुत सारे मिश्र धातुओं के निर्माण में, जैसे जर्मन सिल्वर वगैरह बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई सारे जो सांचे के डिब्बे होते हैं या ट्यूब फिटिंग होती है उसमें भी एल्युमिनियम का और इसके जो विभिन्न यौगिक हैं इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही हमने देखा कि एल्युमिनियम के जो क्लोराइड्स होते हैं AlCl3, इसका प्रयोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता है। और फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में जो विभिन्न प्रकार से टोल्वीन या एसिटोफिनोन बनता है, ये भी बहुत मुख्य उत्पाद होते हैं और उसको बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 का प्रयोग किया जाता है।